तो दोस्तों बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दो बड़ी जो खुशखबरी है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। आप सोचोगे कि हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा बहुत जो सरकार ने ये तो कुछ अच्छा काम किया है, मतलब छात्रों के लिए, मतलब शिक्षा को लेकर थोड़ा सा बहुत है, तो ये मतलब एक आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब अच्छी खबर हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो 10वीं 12वीं में, तो आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। ठीक है, मैं बताने वाला हूँ अगले चैनल में कि क्या क्या जो निर्णय लिया है गवर्नमेंट ने। अगर दोस्तों आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखी होगी, अगर आप टीवी पर न्यूज़ वगैरह देखते हो, तो वहाँ पर भी जो है ये खबर आ चुकी थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो। ठीक है, अधिकतर चैनलों ने इसे बताया था। तो जो गवर्नमेंट ने दोस्तों फैसला लिया है, मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है वो किस लिए लिया है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो सिलेबस था 10वीं 12वीं का, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो 10वीं 12वीं का जो सिलेबस था अब की बार, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। और किस वजह से कंप्लीट नहीं हो पाया, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो, वायरस की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो है आपका जो क्लास वगैरह थी 10वीं 12वीं, वो नहीं चल पाई। हालांकि जो ऑनलाइन जो गवर्नमेंट ने सिस्टम चलाया था कि ऑनलाइन तैयारी कराई जाए 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की, तो लेकिन यार उससे मतलब कुछ तो फायदा हुआ होगा, लेकिन कंप्लीट जो सिलेबस था वो नहीं हो पाया पूरा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। तो सबसे पहला है नंबर वन पे क्या है दोस्तों, जो आपका सिलेबस है उसको मतलब उतना ही रखा जाएगा जितना कि छात्र कर पाए, या फिर जितना कि उन्होंने पढ़ाया होगा। एक किस्म से आप हाफ सिलेबस भी मान सकते हो, ठीक है, आधा सिलेबस भी आप एक किस्म से मान सकते हो। और उस सिलेबस के रिगार्डिंग ही जो है आपका एग्ज़ाम से पहले एक मॉडल पेपर जनरेट होगा। ठीक है, सरकार ने बताया कि जो है ये निर्णय लिया है कि जो बोर्ड परीक्षा का, जो मान लीजिए कोई छात्र है, आप लोग तैयारी कर रहे हो बोर्ड परीक्षा की, तो आप लोगों ने मान लीजिए आधा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है, आधा तो आधा के हिसाब से जहाँ तक तो उम्मीद है वो जो गवर्नमेंट है ये आपका सिलेबस बनाएगी। और उसके बाद आप एग्ज़ाम से पहले एक मॉडल पेपर जनरेट होगा, यानी कि मॉडल पेपर में उसका आपको पैटर्न दिया होगा क्वेश्चन का, कि किस पैटर्न पे जो है सवाल आएंगे, और कहाँ तक के जो है उसमें ये भी दिया गया होगा कि कहाँ तक के जो है आपके चैप्टर वाइज, मतलब यहाँ तक का ये आपका जो है पढ़ना होगा। उसमें सब कुछ जो मॉडल पेपर होगा उसमें, जैसे आप लोगों को पता है मॉडल पेपर में लास्ट वाला जो, अगर आप लोगों ने उठा कर देखा होगा मॉडल पेपर, तो जैसा कि उसमें लिखा होता है, तो लास्ट का क्वेश्चन होता है और लास्ट का चैप्टर होता है, तो इस टाइप से उसमें लास्ट का क्वेश्चन दिया गया होगा। आप समझ जाओगे कौन से चैप्टर से और कहाँ तक इसमें जो है ये क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि जो लास्ट सवाल है, मतलब दो तीन सवाल मान लीजिए लास्ट के होंगे, ठीक है, आप देख लेना कि ये कौन से चैप्टर का है, तो वहीं तक का जो है आपको कंप्लीट करना होगा अपना सिलेबस। ठीक है, अब आप लोग को यह कि आप लोग की फेक न्यूज़, तो उस मेरे भाई फेक न्यूज़ नहीं है ये। अगर आप चाहो तो जो गवर्नमेंट ने, मतलब जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के ज़रिए, हालांकि न्यूज़पेपर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने जो है आपका टीवी पर न्यूज़ देखी थी, अगर आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, आज तक पे भी दिखाया गया था ये। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहो, ये फेक न्यूज़ नहीं है, आपको तो जब पता लग ही जाएगा जब मॉडल पेपर जनरेट होगा, क्योंकि सरकार ने जब फैसला ले लिया है, इस पर निर्णय ले लिया है, तो वो उसका लागू भी करेगी, इसका पालन भी करेगी। ठीक है, तो आपको जब मॉडल पेपर आएगा वो आपको सब कुछ दिख जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप लोग के कमेंट भी आते हैं ना कि फेक न्यूज़ है, तो ये दोस्तों कोई भी फेक न्यूज़ मैं अपने चैनल पर नहीं देता हूँ। ठीक है, ये आप ध्यान मतलब रख सकते हो, क्योंकि आप लोगों के से आईटीआई वाले छात्र मेरे साथ ज़्यादातर जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं कोई ऐसी वैसी फेक न्यूज़ नहीं देता। ठीक है, तो आप बेफिक्र होकर चैनल से जुड़ रही है, कोई भी आपको यहाँ पर फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को बताना कि ये जो सरकार ने निर्णय लिया है ये अच्छा है कि मतलब गलत है, तो मुझे बताना ज़रूर। ठीक है, हाँ मतलब मुझे तो मतलब सही लग रहा है यार, ये कुछ आप लोगों का ही फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। देखिए, आप लोगों का इतना बड़ा फ़ायदा हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जो है सबसे अच्छी बात इसमें दोस्तों जो लगी है मुझे, वो लगी है मॉडल पेपर की, जो मॉडल पेपर वो जनरेट करेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा होगा कि किस पैटर्न पर जो है आपका पेपर होगा, कितने कितने क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, और आपके जो थ्योरेटिकल होते हैं वो कितने होंगे, न्यूमेरिकल्स कितने होंगे, तो सब कुछ उसमें दिया गया होगा मॉडल पेपर में। अब ये डिपेंड करता है कि वो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके अलग अलग निकालेगी मॉडल पेपर। ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग आप देख लेना कि आपको कहाँ तक जो है पढ़ना है, उसमें सब कुछ आपको दिया गया होगा। तो ये मतलब मुझे तो बस भैया बहुत अच्छी खबर लगी है गवर्नमेंट की, ये तो मुझे सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला लगा है। ठीक है, हालांकि कुछ लोग तो इसके भी खिलाफ होंगे, ठीक है,
लेकिन अधिकतर को तो ये फैसला पसंद ही आएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी होगी ना, और ये फैसला भी आपको ठीक ठाक लगा हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार की और नई नई वीडियो यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ठीक है, क्योंकि आप जब चैनल के साथ जुड़ोगे तभी आपको नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।